Hello everyone, how are you? Salam, namaste, sat sri akal, jahan bhi hain aap. Mera naam hai Mahavir aur aap mujhko dekh rahe hain mere YouTube ke channel pe. How is everyone doing? Kya hai aapka? Good morning, good afternoon, good evening. I hope ki mera internet thoda behtar chal raha ho. Last time to bahut bura chal raha tha. It was ridiculous. So dekhte hain ki aaj kaisa chal raha hai. Mujhe please bata dena comment section mein ki mera internet kaisa chal raha hai. Hi Labelle, how are you? हेलो, कैसा चल रहा है मेरा नेट? कैसा चल रहा है? मुझे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डंडी लग रही है. आई कैन ओनली सी वन लाइन. सो एनीवेज, जैसे आप लोग आते जाइए, जरा प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें और लाइक्स, लेट्स गेट दोस लाइक्स अप गाइस, लेट्स गेट दोस लाइक्स अप. और अगर आप नए हो और आप मुझे पहली दफा यहाँ देख रहे हो, तो मेरा नाम है माहलीज और मैं यहाँ पर आती हूँ रैंडम टाइम्स पे. फ्राइडे को हमेशा आती हूँ, मगर वीक में भी जाती हूँ कभी कभार. यू नो, हम बातें करते हैं जो वायरल टॉपिक्स हैं, न्यूज़ क्या चल रहा है, यू नो कौन बोंगी मार रहा है, ऐसी वैसी. सो हाउ आर यू क्यूट? आई एम गुड गुड. हाय ऑब्जर्वर, हेलो वेलकम. सारे आ रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता करके. आज फीकी लग रही है, अभी फीकी इस वजह से लग रही हूँ यार. एक तो मैं नींद मेरी इतनी पूरी नहीं हुई है, दूसरी बात ये कि नमस्ते माली जी, दैट स्पीड इज फाइन. और दूसरी बात ये, मैं तैयार नहीं हुई हूँ. आई हैव टू गेट रेडी. अभी तो यार ऐसी शक्ल के साथ घूमती हूँ मैं सारा दिन, मासी ही लगती हूँ घर पे. ब्यूटी क्वीन बन के थोड़ी घूमते हैं 24 घंटे. दिस इज रियालिटी. रियालिटी में बिलीव करें, कोई 24 घंटे मेकअप पहन के घर में नहीं घूम रहा होता है. प्लस आई प्लान कि मैं पूल में जाऊंगी भी थोड़ी देर में, तो मेकअप तो करेंगे, फिर वो मेकअप पिघल जाएगा सारा बाहर गर्मी में. माई सिंपथी फॉर कैन. तो अभी पंडित जी, अभी हम बात करेंगे उस चीज पे. पीछे से आवाज आ रही है, इसी वजह से मैंने नीचे रखा हुआ था कि इसका सेटअप अलग हो और मेरा सेटअप अलग हो. मगर इंटरनेट इश्यूज. योर बॉडी माइंड सोल थॉट्स आर स्वीट एंड प्योर. थैंक यू एक्स वाई जी. ओके, सो मैं आज स्टार्ट करना चाहूंगी जो हमारी पहली एक न्यूज आपको मैं बताऊं कि क्या कनाडा में क्या हुआ. ये न्यूज कल की है. सो दिस इज अ वेरी सैड न्यूज. दिखाती हूँ मैं आपको. सो कनाडा में एक जगह है ऑन्टेरियो में, जिसको कहते हैं लंदन. लंदन है, लंदन वो यूके वाला लंदन नहीं है, ये लंदन ऑन्टेरियो है, ऑन्टेरियो में कनाडा में. सो वहां पर एक फैमिली रात को वॉक के लिए निकली हुई थी, तो 8:30 का टाइम था मेरे ख्याल से. और एक गाड़ी दूसरी साइड से एक्चुअली आई है, वो लोग इस साइड पे वॉक कर रहे, दूसरी ऑपोजिट साइड से आई है मेन रोड क्रॉस करके और उनको हिट किया है. तो वो 5 मेंबर्स थे पूरी फैमिली के, तो उनमें से सिर्फ एक जो लड़का है जो 9 साल का है वो बचा है और अभी वो हॉस्पिटल में है. बाकी जो लोग थे उनको ऑब्वियसली वो अब नहीं रहे, उन यू नो दे हैव बीन किल्ड. ये जो बंदा है उसकी वजह से, गोरा था, कोई 20 साल का गोरा था कनेडियन, जिसने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है. और अभी जो रिपोर्ट आ रही है पुलिस की, उस पे वो यही कह रहे हैं कि ये एक हेट क्राइम है और उसका मोटिवेशन रिलीजन था, वो मुसलमानों को नहीं पसंद करता था. मैं उनकी तस्वीर आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर. इट्स वेरी वेरी सैड स्टोरी. पूरी की पूरी फैमिली यानी खत्म हो गई. और सिर्फ व्हाई द फैमिली वाज टारगेटेड, कह ये रहे हैं कि उसको मुसलमान नहीं पसंद थे. आई डोंट नो, अभी इतनी जल्दी कैसे उनको पता चल गया, अनलेस के बंदे ने खुद ही बोल दिया हो. जब उसको गिरफ्तार किया उसने कहा हो कि भाई मैंने उनको इस वजह से मारा क्योंकि जो है मुझे मुसलमान नहीं पसंद. मगर अभी हमको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, पूरी डिटेल नहीं पता है. मगर दिस इज आउट ऑलरेडी. सो जैसे कि आप देख सकते हो ये टॉप स्टोरीज है. 100 एक्सपेक्टेड टू अटेंड विजिल फॉर मुस्लिम फैमिली किल्ड इन Killed, injured in London, Ontario. Global news है ये, हमारी Canadian news है. CNN में भी report आई है, BBC ने भी report की है. तो BBC कह रही है कि ये premeditated attack था, मतलब कि उस बंदे ने ये plan करा था मारने के लिए. It's so sad. I hope कि इसकी और information हमको मिले. मैं तस्वीर ढूंढ रही थी फैमिली की, उन्होंने लगाई थी. There was मेरा इंटरनेट ही नहीं तो चलता है यार. ओ अ पीस ऑफ पेपर, गेट योर फोल्डर प्लीज फ्रॉम देयर. बिकॉज़ आई नीड अ ब्लाइंड
to so I can like color. Sorry, paper. I didn't have any answers. Why did you give me two, I think? Just keep it there so you don't keep coming here over and over again. All right? Okay. Okay, so मुझे तस्वीर नहीं दिख रही इनकी फेसबुक पे थी मेरे फेसबुक पे काफी लोगों ने शेयर किए हैं गाइस जी कंप्यूटर क्यों इतना स्लो चल रहा है व्हाई इज इट वर्किंग सो स्लो लेट्स गो इन इमेजेस एंड सी इफ वी कैन फाइंड सम पिक्चर्स दीज आर द ओह देयर इट इज देयर इज फैमिली पिक्चर सो ये थी वो फैमिली और ये बच्चा रह गया है सिर्फ अब बाकी आई थिंक इनमें से चार लोग थे आई एम नॉट टू श्योर कि कौन कौन थे वाइफ एंड चाइल्ड आई बिलीव एक बेटी थी उनकी तो बेटा जो है वो रह गया है लाइक ही इज द ओनली वन इन इमेजिन करो ना वो बच्चा अब उठेगा और उठ के उसको पता चलेगा कि उसकी फैमिली जो है वो नहीं रही है इट्स जस्ट इट्स डेविस्टेटिंग ये है ना 15 ईयर ओल्ड गर्ल 74-year-old woman, 46-year-old man, 44-year-old woman were killed when a man ran them down in. Uncle. Oops. Shoot. So, ye sahab aur ye, and I'm guessing her and her. So, inki jo, I guess, nani hai, dadi hai, wo reh gayi hai, wo nahi thi. I'm just guessing, मुझे नहीं पता शायद सो अगर आपने ये न्यूज चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो जाकर ये फैमिली है सो इट्स वेरी सैड आई मुझे बहुत फील हुआ था यस्टरडे यू नो इस्लाम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट देखो सो फेसबुक पे ऑनलाइन आए प्लीज फेसबुक पे ऑनलाइन नहीं जा रही हूँ मैं इस वक्त मैं फेसबुक को जो है वो अलग रखना चाह रही हूँ अपनी इस पॉडकास्ट इन चीजों से आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन यूट्यूब फॉर दिस फेसबुक पे वहां पे मस्तियां करने के लिए है यहाँ पर जरा सीरियस टॉपिक से बात करेंगे तो अब मैं आई रियली फील फॉर इट क्योंकि हम लोग इस्लाम पे बातें करते हैं और हम लोग ना बहुत सारी चीजों से बोलते हैं मगर कभी मेरा मकसद ये नहीं होता है कि आप जाकर किसी के साथ कोई बुरा काम करो किसी भी इंसान को मारो कोई भी इंसान अच्छा बुरा हो सकता है राइट इंसान अच्छा बुरा हो सकता है रिलीजन कभी कभार जो है मोटिवेट करती है इंसान को बुरा एक अच्छे इंसान को बुरा बनाने में रिलीजन जो है वो हाथ जरूर अपना डालेगी सो अब इन्होंने तो कोई मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं किया था आई डोंट थिंक कि वो किसी का पीस जो है खराब कर रहे थे यू नो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स मोस्टली जो मुसलमान हैं वो पीसफुली होते हैं यू नो कैनेडियन भक्त हाँ कोई यानी अभी सुनने में यही आ रहा है मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब दूसरे वाकयात होते हैं जैसे कि एक यहाँ पर डैनफोर्थ पे ना एक शूटिंग हुई थी तो वो पाकिस्तानी बंदा था उसने स्पेशली टारगेट किया था औरतों को और गोरों को क्योंकि उसके सामने एक बंदा आ गया था जो ब्राउन था यानी देसी था तो उसने कहा मैं तुमको नहीं मारूंगा तुम नहीं घबराओ और उसने चुन चुन के औरतों को मारा था तो उस बंदे की पूरी डिटेल अभी तक ऐसा ऐसा करके आ रही है और जब फॉरेन न्यूज आई थी तो उसमें इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया था कि वो कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है ये हुआ है वो हुआ है नहीं फिर एक दफा यहाँ पर यंग स्ट्रीट पे एक बंदे ने वैन चढ़ा दी थी और उसमें भी औरतें ज्यादा मरी थी तो उसको भी उन्होंने कह दिया था कि नहीं वो एक कोई इनसेल होते हैं ऐसे बंदे होते हैं जिनको लड़कियां नहीं मिलती तो वो लड़कियों के अगेंस्ट हो जाते हैं तो वो थे यू नो और वो जो डैनफोर्थ वाला जो शूटिंग हुई थी उसने कह दिया था कि उस बंदे का दिमाग सही नहीं है उस बंदे के घर से बहुत बारूद भी मिला था लेकिन बड़ी उस वक्त हुई थी काफी लोग उसमें मरे थे मगर पॉलिटिक्स उस पे बात ही नहीं की गई उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं कोई कुछ नहीं कुछ अब सांस भी नहीं ले रहे उस पे सो मैं ये पूछती हूँ कि जब आपको दूसरे केसेस में जब आपको पता नहीं चलता कि क्या है और आपको सालों लग रहे हैं आपको उस केस को सॉल्व करने में तो हाउ कम आपको फौरन पता है कि ये जो है हेट क्राइम था इस चीज से मोटिवेटेड था आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इट इट इज प्रोबेबली अ हेट क्राइम मगर आप
पूरी वो तफ्तीश करके पूरी वो इंफॉर्मेशन हो ना, आधे आधे स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली बात तो ये कि पुलिस इतनी जल्दी आपको स्टेटमेंट दे ही नहीं सकती, क्योंकि पहले तो उनको यू नो इंटेरोगेट करना होता है, वो क्राइम सीन पे जाएंगे, वहां से वो चीजें इकट्ठी करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है सारी जो है सच्चाई आगे आती है। सो आई रियली रियली फील बैड फॉर द फैमिली एंड मैं ये कहूंगी कि माई हार्ट गोज आउट टू द फैमिली। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कभी भी, चाहे वो आप हिंदू हो या कुछ भी हो, दिस इज नॉट द वे, ठीक है ना। अब मुझे पता है लोग दूसरी तरफ से भी आते हैं साइड से। अब मैं आपको ये एक इंसानियत के नाते में ये कह रही हूँ कि किसी की भी जान नहीं देनी चाहिए, लाइक जानी चाहिए इस तरीके से। मगर बहुत बड़ा मगर है, मे बी इट वॉज एन एक्सीडेंट, वी डोंट नो, मगर बहुत बड़ा मगर है ये। मगर अब अच्छा नहीं, इससे पहले मैं ये बताऊं कि चंद लोग ये कह रहे हैं कि रात के 8:30 बजे, अब 8:30 बजे यहाँ पर अंधेरा तो नहीं होता है, मुझे इतना पता है लाइट होती है फिर भी, तो क्या ये शलवार कमीज पहन के ये लोग वो कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, या कि यानी ऐसी क्या चीज थी उस बंदे को कि पता चला कि ये लोग मुसलमान हैं? आपने ऐसा कुछ पहना हुआ था या आपने हिजाब पहना हुआ था? अब चंद लोग हिजाब की तस्वीरें लगा रहे हैं कि वो इनके साथ, और यू नो आई डोंट नो, क्योंकि आई डोंट थिंक ये लोग हिजाब पहनती थी, सर पे दुपट्टा लिए हुए देखा है मैंने, मगर मैंने इनमें से किसी को हिजाब पहने हुए नहीं देखा, राइट। सो आई हैव नो आइडिया कि व्हाट इज द सिनेरियो, किस तरीके से उसको पता चला कि ये लोग मुसलमान है और इनको टारगेट करो। तो चंद लोग ये कह रहे थे, चंद कॉमेंट्स में मैंने लोगों को देखा कि ओ हो, अब तो हम अपनी शलवार कमीज, ज़ैनिया व्हाट्स दैट साउंड, सो यस ओके थैंक यू। सो उसमें कमेंट्स में लोग ही कह रहे थे कि हम अपनी शलवार कमीज या हिजाब पहनते हुए हमको बाहर जाते हुए डर लगता है। काफी सारी औरतों ने लिखा हुआ था कि हमारी मम्मी मॉम जो है वो डरती हैं कि हमारी लड़कियां जो है वो बाहर जा रही हैं हिजाब पहनकर, शायद उन पे भी अटैक हो जाए, यू नो एंड ऑल दिस स्टफ। सो मैं आपको अब सिनेरियो थोड़ा सा बदलती हूँ, राइट। अब आप इमेजिन करें, और ये मैंने कल किसी और को भी यही पूछा था, यू नो लोग अब यहाँ पर तो ऑफ कोर्स इस्लामोफोबिया फौरन शुरू हो गए, तो उनको तो एक्सक्यूज चाहिए होती है, राइट। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, ऐसे काम मत करो, क्योंकि फिर इनको एक्सक्यूज मिल जाती है उस पर विक्टिमाइज होने की और ज्यादा। सो दिस इज नॉट द वे टू टैकल द प्रॉब्लम, ठीक है ना। एंड वी ऑल नो वी हैव अ प्रॉब्लम, हमको पता है प्रॉब्लम है, मगर ये राइट चीज नहीं है। ये वही बात हो जाती है कि हम फिर उन्हीं की तरह बन रहे हैं जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं उनको, यू नो। सो इमेजिन करें आप कि मैं पहुंच जाती हूँ अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है ना, अफगानिस्तान ईरान जाकर मैं जाती हूँ बीच रोड पे, और मैं मेरा दिल कर रहा है कि बिकिनी छोड़ो, मैं मेरा दिल करता है कि मैं जो है ड्रेस पहन के घूमूं, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी ने किया भी था कहाँ किया था, ईरान अफगानिस्तान में तो नहीं किया था, किसी और मुल्क में किया था, वो लड़की अरेस्ट हो गई थी। सो अगर मैं ये चीज ईरान या अफगानिस्तान में करूं इस तरीके का ड्रेस पहन के बाहर निकलूं, तो मेरे साथ क्या होगा? वैसे मुझे ये बताइए आप लोग, एनी गैसेस, जो पहला गैस करेगा उसको मेरी तरफ से एक इनाम मिलेगा। एनी गैसेस मुझे ये बताइए कि अगर मैं बिकिनी पहनकर, या बिकिनी छोड़ो, मैं एक ड्रेस पहन के अफगानिस्तान या ईरान की सड़क पे निकल आती हूँ, तो क्या होगा मेरे साथ? आपको क्या लगता है लोग मेरे साथ क्या करेंगे? ठीक है, वाइल्ड गैस। हाय मैंगो, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। अफगानिस्तान क्या करेंगे पंडित जी, प्लीज स्पैम नहीं कीजिए, एक दफा आपका मैसेज आ जाता है वो दिख जाता है, प्लीज स्पैम नहीं करें, बाय बाय, ओके थैंक यू। बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि मेरे साथ क्या होगा अगर मैं ड्रेस पहन के चली जाऊं। पत्थर, शैतान इंसान कह रहे हैं पत्थर पड़ेंगे, सर तन से जुदा, अभिषेक कह रहे हैं सर तन से जुदा होगा, चॉप चॉप, शहबाज तारिक जी कह रहे हैं चॉप चॉप हो जाएगा। और कोई अपने आइडियाज देने चाहेंगे कि मेरे साथ अफगानिस्तान में क्या होगा या ईरान में क्या होगा अगर मैं कोई ऐसे कपड़े पहन के बाहर वॉक के लिए निकल जाऊं, क्या होगा मुझको? मोस्ट लाइकली
यही है कि मुझे मार दिया जाएगा क्योंकि मैं हराम हरकतें कर रही हूँ, रेप होगा या तो मेरा रेप होगा और उसके बाद मुझे मार दिया जाएगा। पहले रेप करेंगे, एक्चुअली पहले रेप करेंगे फिर मार देंगे। या लिंचिंग होगी, हाँ सारी फ्लॉगिंग, हाँ ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हमने बता दी, राइट? आपकी आरती निकाली। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद क्या होगा? चले मैं चली गई, मुझे मार दिया इन लोगों ने, ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको क्या लगता है क्या होगा? जो वहां के लोग होंगे वो क्या कहेंगे? जो आम आवाम है वो क्या कहेगी, मुझे ये बताइए। मेरी चेयर टूट रही है। ओ, ये स्क्रू निकला हुआ, जब मैंने ये होता क्या होता है वो स्क्रू उस वक्त। अच्छा ओके, तो क्या आप बताइए कि बाद में क्या होगा? क्या वहां की आवाम ये कहेगी, हाय बेचारी लड़की को मार दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और मेरी फैमिली को लोग सपोर्ट करेंगे, कहेंगे आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ, हम चाहते हैं कि हम आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करें, आप बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हो, उसकी जो भी लास्ट विशेष हैं वो पूरे करने के लिए। वहां की आवाम क्या करेगी, ईरान और अफगानिस्तान की आवाम या जो गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो लोग क्या करेंगे, बताइए बताइए क्या करेंगे? ये लोग कहाँ गए? प्रेग्नेंट करेंगे, जिहादी पैदा हो, लड्डू बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे, उसके अलावा इनाम दिए जी। पर सम रीजन रिमाइंड मी ऑफ जूही चावला, थैंक यू। सो मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में ये बात हुई, बहुत गलत हुआ, इट इज वेरी रॉन्ग। कि किसी को भी इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए, जो गोरे, और मैं नहीं, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हैं यहाँ पर, मैं नहीं कहती कि रेसिस नहीं है, मगर वो खुल के नहीं आते इस तरीके से, पहले नहीं आते थे, यू नो लाइक दिस। एक टाइम था कि बहुत रेसिज्म था, फिर वो खत्म हो गया था, ऑनेस्टली इट वाज नॉट देयर। और अब जो है ये चीज बढ़ रही है, आई नो इट इज गेटिंग यू नो स्टीम, जैसे इंडिया में हो रहा है ना उस समय, यहाँ भी हो रहा है। मगर मैं आपको डिफरेंस ही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो फैमिली जो मरी है तो उनके साथ सबकी सिंपथीज हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा हुआ गोरों ने, अभी मैंने नहीं देखा अभी तक। आई एम श्योर कि वहां पर हैं जो गोरे जो कह रहे होंगे कि हाँ चलो सही हुआ इनके साथ, या इन लोगों से हेट करते होंगे। मैं ये नहीं कहती कि नहीं है गोरे ऐसे, हैं, मगर मेजोरिटी वालों ने, लोगों ने, पॉलिटिशियंस आ गए यहाँ तक कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो तो खैर वो तो जहां किसी मुसलमान को आउच भी होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर फॉरन आ जाता है, बाकी यहाँ के कैनेडियंस मरते रहे, गोरे या कोई और मरता के मरता चला जाए उसको कोई फिक्र नहीं है। तो वो आ गए, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी, इट्स अ गुड थिंग उन्होंने की ये चीज। उसके बाद उनके लिए गो फंड भी एक स्टार्ट किया गया यहाँ पे, जहां पर लोगों ने डोनेशन स्टार्ट कर दी देने के लिए, ठीक है ना, काफिरों ने, तो क्योंकि यहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। मगर ये बात मुसलमानों को ये देख लेनी चाहिए कि आप इस्लामोफोबिया चीखने के लिए फौरन तैयार हो जाते हो। जरा आंख उठाकर अपने मुल्कों में तो देखो कि आपके मुल्कों में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है, किस तरीके से वहां पर होता है, और वहां की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, वहां पे कोई राइट्स नहीं है, ठीक है ना। और अब हम इस चीज पे आते हैं कि ये हो क्यों रहा है, और इस ये होगा क्या, अब आगे क्या होगा। मेरी अगर आपने चंद वीडियोस पहले देखी होंगी तो आज भी मैं ये बात दोबारा नोट कर लो आप लोग कि ये इंसिडेंट्स बढ़ेंगे। और क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि जब आप किसी और के मुल्क में जाकर उनके ऊपर अपनी चीज चलाना शुरू कर देते हो ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो औरतें कह रही थी, हाय अब तो हमको अपने, हम अपना हिजाब भी नहीं पहन सकते, हम अपनी शलवार कमीज नहीं पहन सकते, आपको नहीं पहननी चाहिए, आप यहाँ पर आए हो ना, यहाँ के लोगों में घुलो मिलो। वो सेइंग होती है ना, डू एज द रोमन्स डू, नहीं सॉरी, वेर इन रोम डू एज द रोमन्स डू, यानी जब आप जिस मुल्क में हैं जहां रह रहे हैं उन्हीं की तरह रहो, वहां जाके उस मुल्क को बदलना मत शुरू करो। तो जब आप वहां उस मुल्क को जाकर बदलना शुरू कर देते हो और उस मुल्क के पॉलिटिशियंस जो है अपने मुल्क को बेच देते हैं, बिक जाते हैं इनके हाथ, और सिर्फ एक ही रिलीजन वालों के जो है नगमे गा रहे हैं और उन्हीं को फेवर्स कर रहे हैं, उन्हीं को फेवर्स कर रहे हैं, तो वो जाके वहां के लोकल्स जो है ना, पहले वो क्या करते हैं, वो शोर मचाएंगे, शोर मचाएंगे पॉलिटिशियंस के ऊपर करेंगे करेंगे, जब उनको रिस्पॉन्स कहीं नहीं मिलता तो फिर ये इंसिडेंट्स होते हैं, दिख रहा है ना आपको, तो फिर ये इंसिडेंट्स होते हैं।
और अब ये इंसिडेंट्स और होंगे क्योंकि अब इस्लामोफोबिया को ये और वो करेंगे. हाय निपुंसानी, हाउ आर यू, वेलकम वेलकम. सो इसी चीज को आप देख रहे हो इंडिया में. अब मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, लोग कहेंगे देखो ये तो सपोर्ट करती. मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ इस चीजों को, मगर मैं आपको एक जो हकीकत है, जो रियलिटी है, जो होएगा फ्यूचर में, मैं वो बता रही हूँ आपको. अब आप मुझे कह दो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है तो ये है तो वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर. मैं मगर देख के ऑब्जर्व कर रही हूँ ना कि हो क्या रहा है. जब आप एक सेक्युलर वेस्टर्न कंट्री में जाकर वहां पे उनके ब्रिजेस पे जाकर अजाने दे रहे हो, आपने कितनी यहाँ पर कितनी आप मॉस्क खोलनी है, और अब आप चाह रहे हो कि लाउड स्पीकर पे हम अजाने दें, तो आपको क्या लगता है कि वहां के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या आपसे? लाइक वो लोग बस हर चीज आपकी हाँ हजूरी में लगे रहेंगे. सो सर मारिश कोई तुम्हें ना कुछ कर दे यार, बात उसकी नहीं है. इस्लामोफोबिया नहीं है लोगों को मेरे ख्याल से मुस्लिम फोबिया है. ये टर्म जो है ना, इनको चेंज करनी चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट इस्लामोफोबिया. आपको मुस्लिम फोबिया हो सकता है, यू नो, लाइक विद मुस्लिम्स. एंड आई नेवर टारगेट मुस्लिम्स बिकॉज मुस्लिम्स आर डिफरेंट. हर मुसलमान इस्लाम डिफरेंट तरीके से फॉलो करता है. अब हर कोई आके तो यहाँ हिजाब पहन के नहीं घूमता ना, पाकिस्तानी या जो भी मुसलमान है. अब आप जो यहाँ पे पर्शियंस हैं, जो मैं देखती हूँ लड़कियां और जो फैमिलीज रहती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तानियों फैमिलियों से. दे लिव टोटल डिफरेंटली. वो मुसलमान बहुत डिफरेंटली रहते हैं. अरब के जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी मुसलमानों से बहुत डिफरेंट रहते हैं. देर लाइक सो डिफरेंट, बिलीव मी. सो बात यह है कि जब आप किसी के मुल्क में जाकर चीजें उनकी इधर से उधर करना शुरू कर देते हो, और उनकी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, लाइक आई सेड दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन. और जैसे अब इंडिया में भी बहुत सारे यहाँ पर आके इंडियंस आके मुझसे कहते हैं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम अपने मुल्क में, अपने हिंदुस्तान मुल्क में, हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं. अपने हमें रिलीजन पे गर्व है. यू नो, मेरे लिए तो सारी रिलीजन ही एक ही है, वट एवर. You know, religion is the root of all causes. यानी जितनी जो खराब चीजें होती हैं, root है वो religion उन चीजों की divide करने के लिए. मेरा ये कहना है कि नहीं, अगर religions हो तो फिर सबको equally treat करो. आप ये नहीं कर सकते कि एक को ऊपर चढ़ा दो तो एक को नीचे कर दो. और जिन for example, अब कितने मुस्लिम ममालिक हैं, right? कितने क्रिश्चियन मुल्क हैं, हिंदू मुल्क कितने हैं और ज्यूज मुल्क कितने हैं, मुझे ये बताइए. तो थोड़ी सी फेयरनेस होनी चाहिए सबके साथ. आई थिंक फेयरनेस इक्वालिटी मैटर्स. अब एक हिंदुस्तान उनके पास है, वहां पर भी आप लोग बैठ के बोलते रहते हो हम गजवाए हिंद करेंगे, उनके मुल्क के अंदर बैठ के कहते हो. तो भाई अब तो उसकी प्राइस, कहते हैं ये चूतिया सारे जिहादी हैं, और उसकी प्राइस मासूम कोई मुसलमान जो है वो भुगत देता है. दैट इज द रियलिटी, वही रियलिटी है. और फिर ये होता है कि फिर वहां से कोई जिहादी उठेगा और वो जाकर फिर किसी हिंदू को मार देगा. वहां पर भी कोई क्या कहते हैं, इनोसेंट हिंदू मर जाएगा या इनोसेंट कैथलिक मर जाएगा, यू नो, सेम थिंग. अब इसी इंसिडेंट पे हम लोगों ने सबने आकर इस चीज को कंडेम करा है. हमने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से बंदे को नहीं करना चाहिए. दिस इज अनएक्सेप्टेबल इन एनी सोसाइटी. ये किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इस तरीके से जाकर अपनी हेट किसी को दिखाओ और उसको रिलीजन के उस पे बेसिस पे आप जाके इस तरीके से गाड़ी से उड़ा दो. ओके, दैट इज totally not asked for. Like, this is just ridiculous. But, एक सेकेंड. भारत कोरोना से खत्म होगा. But ये reaction, this is the reaction you are going to get when you are going to try to control their country. जब उनके laws आप control करने की कोशिश करोगे और आप हर जगह जो है you know, ये कनाडा और यूके अगर आप उठा लो तो ये वो कंट्रीज रही नहीं है जो पहले होती थी. सोसाइटी वैसी नहीं है जो पहले होती थी. यू नो, इट इज चेंज सो मच. मैं 25 साल से यहाँ हूं, मैंने देखा है कितना चेंज हो चुका है. हाय दीपक जी, थैंक यू सो मच. मैं ठीक हूँ, आप बताइए. मैं तैयार हो रही हूँ अभी, वैसे आई थी तो लोग कह रहे थे बड़ी फीकी फीकी लग रही है तुम.
ये चाहती है हम वहां जाके पूरे कपड़े भी ना पहने, बस नंगे हो जाएं जैसी बेगैरत इसकी तरह। तो तुम लोग बेगैरतों को देखते क्यों हो? नहीं नहीं तुम लोग बेगैरतों को देखते क्यों हो मुझे ये बताइए ना। हम तो बेगैरत हैं, हम नंगा होना चाहते हैं, बस तुम लोगों का तो दिमाग में बात यहाँ पे किस चीज की हो रही है? आप ये देखिए, द थिंग इज कि चीजों को समझने के लिए ना, आई डोंट नो कि आपके खुदा ने क्या करा, मगर जो बाकी खुदा थे ना, उन लोगों ने अपनी आवाम को एक दिमाग दिया, तो लोगों की समझ में आ जाती है। अब आप लोग इतना स्ट्रगल पता है क्यों करते हो? क्योंकि मेरे ख्याल से आपके खुदा ने ना दिमाग देना आपको या तो आप भूल गया, या तो जब खुदा आपको दिमाग दे रहा था ना, तो आप अपनी मुठ मारने में लगे हुए थे, तो आपका वो मौका आपके साथ निकल गया। इसी वजह से आप लोगों को बस यही लगता है कि औरत ने बस नंगा घूमना है। आपको ये पता है कि कनाडा में हम बाहर टॉपलेस घूम सकते हैं, अलाउड है लीगली। मैं अपना टॉप उतार कर बाहर लीगल चली जाऊंगी और आपके मोमिन, आपके मौलवी किसी मई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आके मुझको ये कह दे कि अपना टॉप पहन लो, क्योंकि मैं लीगली अलाउड हूं। मगर क्या मैं करती हूँ? मेरी मर्जी, मैं करना चाहूं या नहीं करूं। सब औरतों को है अलाउड, या कोई भी औरत कर सकती है, क्या सब करती है? उनकी मर्जी। मगर आपकी ये सोच कि हर औरत को बस नंगा घूमना है, नहीं, ये आपकी सोच, ये है आपकी ख्वाहिश है। आप ये चाहते हो कि सारी औरतें नंगी घूमें ताकि आप अपनी आंखें से देखो। आपके मौलवियों ने बड़ा गंद भर दिया है आपके, वो आते हैं सेक्स ड्रीम देखकर आते हैं, उसके बाद आपको आके बता देते हैं, ओ भैया हम इतनी हूरे देखकर आए, उनके अंदर का गूदा देखकर आए, पता नहीं। तो आप लोगों की ये जो कमजोरी है ना, यहाँ आके मत दिखाया करो कि हमको नंगा घूमना है। मेरी मर्जी, मेरे को नंगा घूमना है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मोस्ट ऑफ द मैन, ज्यादातर मर्द कंप्लेन नहीं करेंगे कि मैं नंगी घूमू, ये इनको कंप्लेन भी। अच्छा, ये कह रहे हैं इमादुल इस्लाम आज लाइव आकर क्या करेंगे, सॉरी मेरी क्या हो गए, इस्लाम को डिफेंड करेंगे, जरूर आइए, ऑलवेज वेलकम। Hi Paul Kramer, thank you so much. Governments change, but lives remain. The change phobia is just a key to vacuum objective. That's very true. Oh, we have a new member, guys. We have a new member. Yay! Everybody welcome. Everybody welcome, Yogesh. Guys, आप लोग members बन सकते हो YouTube के, अब you do have a little bit more benefits on being a member. But welcome, Yogesh. Thank you so much for becoming a member. Link से बात होती है. लिंक दूंगी मैं, अभी लिंक देती हूँ मैं आपको। डू मुस्लिम ब्लॉक स्ट्रीट्स फॉर नमाज इन कनाडा, मैंने सुना था, आई डोंट नो कि वो मिसेस सागर का ही था कि नहीं, मगर आई थिंक मिसेस सागर से एक वीडियो आई थी जहां पर ये लोग जो थे सब लोगों ने लाइन लगाकर जो है नमाजें पढ़ रहे थे। देखिए कनाडा में अगर आज नहीं हो रहा है ना, तो थोड़े अरसे में होना शुरू हो जाएगा। अनदर मेंबर काफिर, काफिर जी वेलकम, आप तो बड़ी सही जगह पे आए हो, काफिर हरामियों के बीच में आए हो आप, हरामी लोग आते हैं यहाँ सारे। मैं तो सोच रही हूँ अपने शो का नाम ही हरामी रखता हूँ, ये हरामी शो विद माली जी। चलो चलो हरामी शो पे चलते हैं। कितना मजा आएगा, राइट? आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू पाकिस्तानीज इफ दे विजिट चंडीगढ़, वाइन शॉप्स एवरीवेयर, डांस क्लब्स, गर्ल्स वेयर क्लोथ्स एज पर देयर विश, पीपल किसिंग ओपनली स्पेशली इन पार्क्स। निपुण जी, ये लोग हिपोक्रेट हैं, ये लोग हिपोक्रेट हैं। आप कराची जाइए, जमजमा जाइए, वहां पर आपको वाइन शॉप लिखा हुआ मिलेगा, आपको वहां पे वाइन शॉप। कौन सी आपको दारू चाहिए? इस्लामाबाद में मरी ब्रूरी जो है वो चल रही है, अभी सुनने में आया है कि चाइना वहां पर एक और अल्कोहल की कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने के। ये तो आपको मैं, और पे जो इलीट क्लास होती है ना, टॉप क्लास, वो अपने लिए डोमेस्टिकली मंगवाती है, उनके होते हैं हुकअप्स, ठीक है ना, एयरपोर्ट पे। मैं खुद इन चीजों से गुजर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, ठीक है। कस्टम वाले इनके साथ मिले होते हैं, आपने जितनी बोतलें लेकर आनी है वो आपको निकाल के ले आते हैं। यू कैन ब्रिंग डोमेस्टिक। और जो गरीब है, अब जो गरीब है पंजाबी हो गए, या जो बहुत गरीब गरीब लोग होते हैं, तो वो बनाते हैं अपना ठर्रा, वो भी अल्कोहल पीते हैं अपनी देसी दारू बनाकर। ओके, तो ये है कह देना कि हम तो इतने वो हैं, अब हर कोई नहीं करता है ऑब्वियसली, और जो करते हैं वो भी मोस्ट ऑफ देम डोंट लाइक दीज मौलानाज मौलवीज एंड स्टफ। और ये मौलवीज भी आधे हरामी होते हैं, पीछे ये भी सब ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, चूतिया बनाया हुआ है लोगों को। बस खुद ने ड्रिंकिंग करनी होगी तो प्रॉब्लम, मुझे नो से प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज की। आप अपना इस्लाम करो फॉलो जैसे करना है, दूसरे को तनकीद करना बंद कर दो,
मेरी तो प्रॉब्लम ही यही है ना कि इन लोगों ने सारे जहां में, मैं ये नहीं कहूंगी सारे जहां गंदे काम करने होते हैं, गंदे काम नहीं है, सारे जहां में ही जाकर इन्होंने लाइफ एंजॉय करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया इसी तरह से लाइफ एंजॉय करती है. वी हैव गेट टुगेदर, हम थोड़ी सी ड्रिंकिंग करते हैं, डेटिंग करते हैं, यू नो वी एंजॉय लाइफ, वी वेयर व्हाटएवर वी वांट, फ्रीडम. मगर इन लोगों ने करना भी है, मगर दूसरों को कह रहा है तू क्यों कर रहा है, खुद करेंगे मगर ये तुम क्यों कर रहे हो. तो वो मेरे को कीड़ा होता है कि आप मुझे मत तनकीद कर, आप करना है जो करना है करो, किसी का सर कलम नहीं करो, मगर आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, तुम मेरे, मुझे क्या तकलीफ है, तुम 10 दफा नमाज पढ़ो. एज लॉन्ग एज मेरे घर पे अजान की आवाजें ना आ रही हो, आप मेरे भले से अब सारा दिन मस्जिद में बैठे रहो, मुझे नहीं फर्क पड़ता. मुझे फर्क तब पड़ता है जब आपकी अजान मेरे कानों में आती है, तब मेरे को फर्क पड़ता है, ठीक है ना. सो क्रिश्चियन फोबिया, इस्लाम फोबिया, व्हाट अबाउट क्रिश्चियन फोबिया, नहीं नहीं वो कौन सा फोबिया, देयर इज नो नथिंग लाइक दैट. I remember how Pakistani drank beer when they visited Chandigarh, Turkey during Mohali test match. They were to find wine everywhere. So, really? अब तो सब कुछ मिलता है वहां पर यार, वो पूरे पूरे केसेस आते हैं लोगों के घरों में. मैं भी पहली दफा जब मैं भी गई थी पाकिस्तान, तो मैं भी देखकर जरा वो हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, सीन क्या है भाई, what the hell is this? मुझे वही हो रहा था कि मेरे को, मैंने यहाँ पे बिकिनी पहन के मिस पाकिस्तान कर लिया, मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी इन सब लोगों ने, और मैं पाकिस्तान गई तो यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, या तो पार्टीज भी हो रही हैं, या लड़कियां ड्रेसेस भी पहन रही हैं, या प्रोस्टिट्यूशन भी हो रही है, बहन चोद वहां तो हर चीज ज्यादा हो रही है, ड्रग्स वहां पे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मेरे क्यों पीछे पड़े हुए थे, मैंने कौन सा, यानी ऐसे ऐसे काम हो रहे थे जो मैं भी नहीं करती हूँ. माली जी माई आ गया आपके लिए, मैं आ गया आपके लिए, अच्छा आप आ गए. Anjana himself ate pork and smoked by Pakistani tribe. See, that's the whole thing. Ye kafir phobia. Hi, Usma. How are you? So, ab main wohi keh rahi hu na that this is the thing. Ab isi wajah se aap ye cases dekhoge aur zyada honge aur ye cheez badhegi aur iske lapet mein hum jaise log bhi aayenge. Unfortunately. क्योंकि किसी गोरे को क्या पता कि मैं इस मुसलमान हूं कि नहीं हूं, उसको तो मेरे रंग दिखता है, राइट, उसको क्या पता मैं मुसलमान हूं कि नहीं हूं. जब 9/11 हुआ था तो कितने सिखों पे अटैक हो रहे थे, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं था कि भैया सिख है वो या मुसलमान है, दे डिड नॉट, उनको थोड़ी पता है गोरों को, गोरे जो है ना जो नॉर्मल होते हैं, दे वेरी इग्नोरेंट, उन्होंने भी पढ़ा वढ़ा नहीं होता है, उनको भी पढ़ाने की जरूरत है. हाँ, वो गोरे जो पढ़ चुके हैं, जिनको एक कैटेगरी है, जिन्होंने एक्चुअली इस्लाम को पढ़ कर लिया है, उन्होंने पढ़ लिया इस्लाम के बारे में और उनको पता है, वो भी मुसलमानों को टारगेट नहीं करते हैं, उनको भी पता है कि यहाँ पर ये हेट क्राइम में आ जाएगा और सब कुछ है, सो दे नो. मगर ये अब देखो क्या होता है, विल सी क्या होगा, यू नो. किसी ने कल लगाया था, एक्चुअली एक एक्स मुस्लिम है, एक आई लाइक हिम, मगर कभी कभार मैं उनकी बातों से अग्री नहीं करती हूँ, बहुत ही लेफ्ट लीनिंग वो एक्स मुस्लिम है, नाम नहीं बता रही उनका, मगर उन्होंने कहा कि कनाडा में गोरों ने ज्यादा मुसलमानों को मारा है बनिस्बत मुसलमानों ने जितना गोरों को मारा है. कैन यू बिलीव दैट? आई अजीज मुरानी दी, हाउ आर यू, क्या करूं, क्या कुरान की वजह से नफरत फैलाई जा रही है कुरान, तो इट्स, थैंक यू सो मच अजीज जी, थैंक यू सो मच, इतना बड़ा डोनेशन, थैंक यू सो मच. हेलो स्वीट पाई, हाउ आर यू, हेलो एवरीवन. ओह ओके, आई विल चेक माय ईमेल राइट आफ्टर आई गेट ऑफ फ्रॉम हियर, थैंक यू सो मच. माली जी, आई डोंट थिंक दिस गाय वेंट आउट रैंडमली लुकिंग फॉर मुस्लिम्स, आई थिंक दे वर फॉलोड एंड टारगेटेड, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. वो कह रहे हैं कि प्री मेडिटेटेड था, तो प्री मेडिटेटेड होगा तो आई एम श्योर दे कैन फाइंड समथिंग, राइट, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना इस चीज के ऊपर. वो बंदा तो जिंदा है ना, मरा तो नहीं है, उससे पूछो, वो बुलवाओ उससे, राइट. यू आर बिकमिंग मोर अग्रेसिव ऑन रिग्रेस मिशन एंड ब्यूटिफुल एवरी डे, मेकअप मेक्स यू ग्लो एंड ब्रिंग्स आउट ग्लिमर एटलांटिक आउट ऑफ यू. ओह थैंक यू पॉल, थैंक यू. आई जस्ट थिंक, what is the topic for, I think it's important that we talk about these issues, you know, okay, we know it's happening and it's going to happen to us too.